नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अखिलेश्वर एकेडमी में आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वह किस टॉपिक पर है। तो हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह करेंट अफेयर पर है, और जो करेंट अफेयर का हमने टॉपिक लिया है वह 1 जून से 12 जून तक के बीच का है, जिसमें मैंने लगभग 100 या 110 क्वेश्चन कराया है, और वे सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है वह क्या है, QA टाइप है, यानी क्वेश्चन आंसर टाइप है, क्विज टाइप नहीं है, वे क्वेश्चन आंसर टाइप है। अब अगली जो वीडियो बनाएंगे हम, तो उसमें मैं आपको क्विज टाइप क्वेश्चन ही रखूँगा, यानी MCQ टाइप रहेगा, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, 1 करेक्ट रहेगा। क्लियर। तो आज के जो वीडियो हैं इसमें केवल आपको क्वेश्चन और आंसर टाइप ही जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है देखने को मिल सकते हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका एक ही आंसर बस मैंने लिखा है, और वो आप ध्यान से उसको याद कर लीजिए या एक बार पढ़ लीजिए। आने वाले आगामी जितने भी परीक्षा हैं सब में यह इम्पोर्टेंट है, और सभी क्वेश्चंस को मैंने, यानी जितने भी VVIP क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। तो आप उन्हें ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो में पूरा बने रहिए, तभी आप जो जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने स्किप किया या कुछ इसमें आगे जैसे बढ़ गए तो आप कुछ न कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर मिस कर देंगे। तो यदि आपने हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप अखिलेश्वर एकेडमी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहता हूँ, इंग्लिश से रिलेटेड और GK GS का क्विज से रिलेटेड और करेंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। देखिए, आज की जो वीडियो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जून करेंट अफेयर है, जो 1 जून से लेकर 12 जून के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी VVI क्वेश्चन लिया गया है, इसमें वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पुट किया गया है। तो आइए देर न करते हुए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि दक्षिण अफ्रीका के थमारा सिथोले ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आपका आंसर होना चाहिए 10 बच्चों को। ये कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका की वह महिला जिसने 10 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उसका नाम भी आपको याद रखना है, यानी क्वेश्चन है वह कहीं से भी घुमा फिरा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली फिल्म मेकर और कवि बुद्धदेव दास गुप्ता का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर है 77 वर्ष। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो करेक्ट आंसर इज 708 प्रस्तावों की मंजूरी दी है। कितने प्रस्तावों की मंजूरी दी है, 708 प्रस्तावों की मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में केवल हम क्वेश्चन और आंसर टाइप जो है ये वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको इसका पूरा डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए, हम आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट, किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारत के पूर्व बॉक्सर डिंकू सिंह का निधन हो गया। तो इनका निधन हुआ था 1998 में, ठीक है, 1998 में। नेक्स्ट, कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये भी VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, अल सल्वाडोर एक ऐसा देश है जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप से क्या कर दिया, वो दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का वेयान गांव, इस गांव का नाम याद रखिएगा, वेयान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। तो 100
100% यानी कि 100% टीकाकरण करने वाला वह पहला गांव बन गया है। तो कौन सा गांव है? वेयान गांव। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है? तो राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों के लिए ई बुक लॉन्च किया है? ठीक है, 20 औषधीय पौधों के लिए ई बुक लॉन्च किया है। तो आपका करेक्ट आंसर है किरण रिजिजू। नेक्स्ट है, बिहारी में दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय काल करने वाले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सुनील छेत्री, जो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं वे दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने वाले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए एक बड़े डायनासोर का उपनाम क्या रखा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजे गए जो बड़े डायनासोर था उसका नाम कूपर रखा गया है। क्या रखा गया है? कूपर। नेक्स्ट है, किसने छात्रों को इंटरनेट पैक खरीदने के लिए 1,000 रुपये देने की घोषणा की है ताकि ऑनलाइन शिक्षा पूरी हो सके? करेक्ट आंसर इज नवी मुंबई नगर निगम। किस देश ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? किस देश ने एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर आपका है भारत ने। नेक्स्ट, इजराइल कोरोना काल में 15 जून से विश्व का कौन सा देश मास्क फ्री देश बन गया है? यानी 15 जून से विश्व का जो इजराइल देश है वह पहला देश है जो मास्क फ्री देश बन गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को कितने मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटन को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर होना चाहिए 700 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कारोबार क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर आपका है 500 मिलियन डॉलर। ठीक है, कितने? 500 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट, जून 2021 से 2024 के लिए रंजीत सिंह दिसाले को किस विशिष्ट संस्था का नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? रंजीत सिंह दिसाले को किस विशिष्ट संस्था का नया शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है विश्व बैंक। नेक्स्ट है, किस हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब से लीगल की जगह A4 साइज पेपर यूज किए जाने की घोषणा की है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्य सचिव रहे अनूप चंद्र पांडे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश। क्लियर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान प्राप्त है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान प्राप्त है। क्लियर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA हैं उसके नए अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिब को चुना गया है। नेक्स्ट, किस देश में इक्वल एक्सेस टू क्लीन कार्ड्स लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 को पेश किया गया है? तो वह देश है अमेरिका। आशीष लता राम गोबिन, ये क्या है, ये बहुत चर्चे में चल रहे हैं इस समय। तो आशीष लता राम गोबिन को धोखाधड़ी के मामले में दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष की जेल या कह सकते कितने वर्ष की जेल की सजा हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर है 7 वर्ष। आशीष लता राम गोबिन को आप लोग जानते होंगे यदि गांधी जी को जानते होंगे तो। नेक्स्ट, इंटरनेशनल गोल के मामले में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री लियोन मेसी को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो सुनील छेत्री लियोन मेसी को पीछे छोड़कर 10वें स्थान पर पहुँच गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट, फ्रांस की अथॉरिटी ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए किस कंपनी पर जुर्माना लगाया है? तो उस कंपनी का नाम है गूगल। किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक ई पुस्तिका
जारी की थी, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए राजनाथ सिंह। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है, यानी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है, तो कितने जिलों में? 112 जिलों में। नेक्स्ट है, पश्चिम असम के राय मोना फॉरेस्ट रिजर्व को राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है, तो राज्य के छठवें या छठें राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, तो 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कितने करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा लिया है, तो करेक्ट आंसर आपका है 7 करोड़। नेक्स्ट है, गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो गुजरात के केवड़िया शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। किस राज्य ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी सेवा शुरू की है, तो उड़ीसा राज्य ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए एक डोर स्टेप डिलीवरी की सेवा शुरू की है। किस देश ने 3 से 17 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है, तो वह देश है चीन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की है, तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ध्यान से इसको पढ़िएगा। भारत की कौन सी ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन नाज जोशी ने इम्प्रेस 2021-22 का खिताब जीता है पहली, यानी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर या ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है, तो आपको नाम लेना होगा नाज जोशी का। इनका नाम है नाज जोशी, वह पहली बार या एक ट्रांसजेंडर पहली बार इस खिताब को जीता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कितने वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने की घोषणा की है, तो 18 वर्ष। नेक्स्ट, NHPC लिमिटेड ने कितने मेगावाट की रतले पन बिजली परियोजना के लिए रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है, तो 850 मेगावाट। नेक्स्ट, 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 8 जून को विश्व भर में दो दिवस मनाया जाता है, पहला विश्व महासागर दिवस और दूसरा विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के दो सैनिकों की कहानी के लिए डेविड डियोप को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उस पुरस्कार का नाम है अंतर्राष्ट्रीय बूकर पुरस्कार। नेक्स्ट, द टाइम्स के द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन लिस्ट में कौन सबसे पहले स्थान पर रहा है, तो सबसे पहले स्थान पर थे सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGE सेज कार्यक्रम और सेज पोर्टल लॉन्च किया है, तो थावरचंद गहलोत ने। किसने लॉन्च किया है? थावरचंद गहलोत ने। नेक्स्ट, NMPB और किसने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए CSIR और NBRI। नेक्स्ट है, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर नियुक्त किया गया है, तो रंजीत सिंह डिसले, अभी इसके जस्ट पहले आया था, ठीक है, शिक्षा मंत्री के रूप में, तो वही कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक एजुकेशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, तो वह कौन सा देश है? मालदीव, ठीक है, यानी भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है, तो रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग का अध्यक्ष चुना गया है तो अरुण कुमार मिश्रा जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में अंकुर नाम की योजना शुरुआत किस राज्य में हुई थी, या योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई थी, तो करेक्ट आंसर है आपका मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में कौन सी एक नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है, तो छत्तीसगढ़ में एक झिंगुर की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल में कौन से जहाज को शामिल किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल में सजग नाम के जहाज को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग को विकसित किया है, तो आईआईटी रोपड़ ने, आईआईटी रोपड़ ने। नेक्स्ट, केंद्र सरकार अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश देगी, तो सरकार जो है वह 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश देगी। मशहूर गायक सईद साबरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट, किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्यमुक्त कर दिया गया है, तो भारतीय नौसेना का। किस रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का भारतीय नौसेना पदभार संभाला है, करेक्ट आंसर इज कपिल मोहन धीर। नेक्स्ट, किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है, थावर चंद्र गहलोत, अभी जस्ट इसके पहले भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट, NMPB और किसने भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के लिए खेती उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो CSIR और NBRI, अभी जस्ट इसके पहले भी आया था, ठीक है, क्लियर। देखिए उसमें वर्ड में आया था और यहाँ पर अल्फ़ाबेट में उसमें, इसमें वर्ड में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बस देख लीजिए। किस विभाग ने अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, तो आयकर विभाग ने अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, किस विद्युत कंपनी ने कमंजेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, तो NHPC लिमिटेड, क्लियर। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर है 117वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, 7 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 जून को विश्व भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ईस्ट, यानी चीन के द्वारा जो कृत्रिम सूर्य का परीक्षण किया गया है उस सूर्य का नाम है ईस्ट। नेक्स्ट, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजरी नियुक्त किया गया है, तो रंजीत सिंह दिसले, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका। नेक्स्ट है, टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, तो मालदीव। नेक्स्ट, 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस मंत्रालय ने 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है, तो रक्षा मंत्रालय ने। किसने मॉडल किरायेदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो किसने मंजूरी दे दी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो बिहार, क्लियर। नेक्स्ट है, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है, तो 200 मिलियन डॉलर ऋण समझौता किया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कितनी हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है, कितनी, तो 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के लिए 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। केंद्र सरकार ने TET प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है,
तो ये जो TET की मान्यता है वह अब उम्र भर हो गई है, लेकिन पहले क्या था 7 साल था, लेकिन जो 2020 में TET पास किए हैं उनके लिए केवल 7 साल ही है। ठीक है, आगे देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए किस देश के बीच हुए MOC को मंजूरी दी है? तो आपका करेक्ट आंसर है जापान। नेक्स्ट, हसमतुल्लाह साहिदी को किस क्रिकेट टीम का नया वनडे और टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है? तो अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया? तो उस खाड़ी का नाम था ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो उस कार्यक्रम का नाम है मिनी किट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए करार किया है? तो आपका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर को भारत के सबसे पुराने अर्धसैन्य बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो असम राइफल में। नेक्स्ट है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो वह 3रा संस्करण जारी किया है। कौन सी कंपनी एक राष्ट्र एक मानक योजना से जुड़ने वाला भारत का पहली संस्था बन गई है? तो उस कंपनी का नाम है RDSO। नेक्स्ट है, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। नेक्स्ट है, किस राज्य में खोजी गई झिंगूर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमीमस जयंती रखा गया है? तो छत्तीसगढ़। देखिए, इसमें मैंने बहुत से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर दोहरा भी दिया है ताकि आपको अच्छे से वह क्वेश्चन क्लियर हो सके। अगला है, NSO के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई। किस वाइस एडमिरल ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो रवनीत सिंह ने। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस कंपनी के CEO और प्रबंध निदेशक TB नरेंद्रन को नए अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो टाटा स्टील ने। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किस भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज को शामिल किया है? करेक्ट आंसर है आपका सजग। नेक्स्ट है, 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस और विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ICC ने घोषणा की है कि 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में कितने टीमें खेलेंगी? तो ICC ने घोषणा किया है कि 50 ओवरों के वर्ल्ड कप में 14 टीमें खेलेंगी। नेक्स्ट, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश ने। जून 2021 में कौन तैने यूरिया को बाजार में लाएगा? तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बाद किस देश में वर्ल्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला सामने आया है? तो आपका आंसर होना चाहिए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो काइल जेमिसन, अभी इनका नाम बहुत चर्चे में है। ठीक है, नेक्स्ट, किस विभाग के अंतर्गत आने वाले RDSO को BIS का पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है? उपभोक्ता मामलों के विभाग। नेक्स्ट है, वाइस एडमिरल का नाम बताइए जिन्होंने AVSM
VSM ने चीफ ऑफ मटेरियल का कार्यभार संभाला है? तो करेक्ट आंसर है संदीप नैथाली। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस महीने में अब तक का सबसे अधिक 114.8 एमटी माल ढलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किस महीने में? मई महीने में। क्लियर। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने EWS में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वह सरकार है महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट, त्यांग हिन हंग ने कितने समय में सबसे तेज गति से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? 25 घंटे 50 मिनट में उसने चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, 2 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 जून को भारत में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह इफको के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के टिगरे में अकाल के गंभीर खतरे के प्रति आगाह किया है? टिगरे किस देश में स्थित है? तो जो टिगरे है वह इथियोपिया में स्थित है। नेक्स्ट है, पुरातत्विक निम्नलिखित में से किस देश में सोने और कांसे के मुखौटे सहित लगभग 500 कलाकृतियों से भरे हुए 6 बलि गड्ढों की खोज की है? बलि यानी सेक्रीफाइस पिट्स, ठीक है, बलि जो चढ़ाया जाता है। चीन इसकी क्या की है? खोज की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। मायून नामक ज्वालामुखी द्वीप पर एक रहस्यमय एयरबेस बनाया जा रहा है, मायून द्वीप का दूसरा नाम क्या है? तो मायून द्वीप का दूसरा नाम है पेरिम द्वीप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी? तो क्रिस्टीन वर्मुथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोज सजग को हाल ही में अजीत डोभाल द्वारा कमीशन किया गया था, सजग का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो सजग का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने द एक्लिप्स एंड आफ्टर फिल्म उत्सव का आयोजन किया था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने 30 वर्ष से कम उम्र की युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो उस योजना का नाम है युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो वह कौन सा संगठन है? NATO, नाटो। नेक्स्ट, नवीनतम जनगणना के अनुसार पिछले 6 वर्षों में उड़ीसा की ब्लैक बक आबादी दोगुनी हो गई है, काला हिरन उड़ीसा के किस जिले में पाया जाता है? तो जो काला हिरन है वह उड़ीसा के गंजम जिले में पाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है, यानी 29 मई को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड मृत्यु दर के लिए एक विशेष सहायता SASCM स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टलिटीज योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है जम्मू और कश्मीर। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने हाल ही में DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONV साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि कौन बने हैं? तो वैरामुत्तु जो हैं वह पहले साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर मलयाली कवि बने हैं।
नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आने की योजना बना रही है? तो उस कंपनी का नाम है पेटीएम। नेक्स्ट है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? लैंग्वेजेज ऑफ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुशदी। कौन है? सलमान रुशदी। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जितने भी वीडियो मैं बनाऊँगा उससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। थैंक यू।